हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु व्यास, आप देख रहे रितु दिशा रेसिपी। रितु दिशा रेसिपी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमने बनाई है कच्ची हल्दी की सब्जी। कच्ची हल्दी की सब्जी एक औषधीय गुणों से युक्त सब्जी है। यह हमारे शरीर के जो रक्त है उसको शुद्ध करती है। यह हमारे जोड़ों के जो दर्द होते हैं उनमें बहुत लाभदायक सब्जी है। कच्ची हल्दी की सब्जी औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण भारतीय परिवार के लोग इसका सेवन प्रतिदिन करते हैं। कच्ची हल्दी की सब्जी बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने हल्दी को अच्छी तरीके से साफ किया है। हल्दी को हमने अच्छी तरीके से बारीक कट किया है राउंड शेप में। इस सब्जी को बनने में बहुत ही कम समय लगता है। इस सब्जी को हम 15 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। इस सब्जी को बनाना बहुत ही आसान होता है। इस सब्जी को आप अपने पास 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए सब्जी फ्राई करने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे आधी चम्मच जीरा। जीरा अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। हमारा जीरा अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। मिर्ची को हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे खड़ी लाल मिर्च। इसको भी हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हल्दी। हल्दी को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसको कुछ समय के लिए कवर करेंगे। पांच मिनट के लिए हम इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। हमारी सब्जी अच्छी तरीके से पक रही है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसको कुछ समय के लिए फिर से कवर करके रखेंगे। हमारी सब्जी 50% बन के रेडी हो चुकी है। हम इसमें एक एक करके सभी मसालों को अच्छे तरीके से ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच। एक चम्मच डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर। आधी चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। सही मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको कुछ समय के लिए कवर करेंगे। आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से दबा के कि हमारी सब्जी अच्छी तरीके से पकी है या नहीं। हमारी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी दिखने में बहुत सुंदर लग रही है। इस सब्जी को आप अपने पास 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये सब्जी खराब नहीं होती 15 दिन तक। आप इस सब्जी का प्रयोग डेली खाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा में कीजिए। ये सब्जी आपके जोड़ों के दर्द में बहुत फायदेमंद होती है। सर्दी के मौसम में इस सब्जी को खाना बहुत ही लाभदायक होता है। ये आपके शरीर के टेम्परेचर को भी सामान्य रखती है। इस तरह की रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विजिट कीजिए। इस तरह की रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। आपने हमारे वीडियो को एंड तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।